दोस्तों फिर से आ गया नया वीडियो लेके। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है, थंबनेल बनाने का सही तरीका क्या है। आप चाहते हो कि आपका व्यू अच्छा जाएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप थंबनेल कैसे बनाते हो। तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, पहला का नाम है पिंटरेस्ट और दूसरा एप्लीकेशन का नाम है पिक्सआर्ट। अगर ये दो एप्लीकेशन आपके पास नहीं है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, पिंटरेस्ट एप्लीकेशन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखने के लिए मिलेगा, तो आपको नीचे दिखता होगा सर्च बार, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है थंबनेल, थंबनेल लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा अच्छा थंबनेल आ चुका है। तो हम नीचे करते हैं, आपको बहुत तरह का थंबनेल देखने के लिए मिलेगा। तो हम एक अच्छा थंबनेल लेते हैं, तो लिखा है यूट्यूब बेस्ट, यूट्यूब यूट्यूब पबजी, तो हम बेस्ट यूट्यूब का थंबनेल लेते हैं। तो आप देख सकते हो, तो मैं ये थंबनेल लेता हूँ। पहले क्या करना है, ये थ्री डॉट ऊपर में दिख रहा है, वहाँ से आप क्लिक करके थंबनेल को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको बैक चला जाना है। बैक आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको दूसरा एप्लीकेशन का नाम बोले थे आप पिक्सआर्ट, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। पिक्सआर्ट में आने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा प्लस का आइकॉन, तो वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एडिट ये फ़ोटो दिख रहा है, तो हम एडिट ये फ़ोटो में क्लिक करते हैं। और जो आप पिंटरेस्ट डाउनलोड किए थे थंबनेल, उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का दिखने के लिए मिलेगा। तो अगर अपना फ़ोटो लगाना चाहते हो थंबनेल में, तो सबसे पहले आपको सिंपल आइडिया देता हूँ, आज तक कोई यूट्यूबर आपको ऐसा एडिट करने के लिए नहीं बताएगा। एक मिनट एक सेकंड के अंदर आपका फ़ोटो इरेज होकर बहुत अच्छा से देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं, क्या करना है आपको बताते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो सिंपल आपको बैक चला जाना है। बैक जाने के बाद आपको गूगल में सर्च करना है इरेज बीजी, इरेज बीजी, इरेज बीजी सर्च करने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च होने के बाद आपको इस तरह देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपल आपको स्क्रॉल करना है नीचे, और आप देख सकते हो लिखा है यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज रिमूव बीजी, तो आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। क्लिक होने के बाद आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो अब यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा अपलोड इमेज, तो वहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद आपको कोई एक सिंपल सा फ़ोटो, अच्छा जो आप जिसमें थंबनेल में लगाना चाहते हो फ़ोटो ले सकते हो। तो मैं एक अच्छा सा फ़ोटो लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्राउज़र लिखा है उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक होने के बाद हम एक अच्छा सा फ़ोटो लेते हैं, तो हम ये फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद आपको ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा से इरेज हो गया है एक सेकंड में। तो सबसे पहले आपको ये फ़ोटो इरेज हो गया है, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो हम ये फ़ोटो डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड में क्लिक किए तो ये फ़ोटो डाउनलोड हो चुका है। तो सिंपल तय होने के बाद आपको फिर से बैक चला जाना है। तो हम बैक आ गए हैं। बैक जाने के बाद आपको फिर से पिक्सआर्ट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आप जो बैकग्राउंड लिए थे उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये मेरा थंबनेल आ चुका है। थंबनेल आने के बाद सबसे पहले आपको फ़ोटो लगाना है, तो यहाँ पे नीचे लिखा है ऐड फ़ोटो, उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक होने के बाद आपको जो हम फ़ोटो इरेज किए थे गूगल से, उस फ़ोटो में क्लिक करते हैं।
क्लिक किया तो ऊपर में लिखा है ऐड, तो उसको ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद आप अपना फ़ोटो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हम कुछ इस तरह से अपना फ़ोटो एडजस्ट कर लेते हैं जो अच्छा दिखे। तो हम फ़ोटो अपना एडजस्ट कर लिए। एडजस्ट करने के बाद आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यहाँ नीचे दिखता होगा टेक्स्ट, वहाँ क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आप अपने हिसाब से जो टाइटल लिखना रहेगा, जिस जो वीडियो रहेगा यूट्यूब का, वैसा टाइटल लिखिए। तो ये मेरा वीडियो है कि थंबनेल कैसे बनाएं। तो हमको इम्प्रेशन मनोज देव से मिला था, इसलिए मनोज सर का नाम लिखते हैं। तो मनोज देव, मैं मनोज देव लिख दिए। उसके बाद सिंपल आपको क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद आपको इसको थोड़ा एडजस्ट करके छोटा कर लीजिएगा। तो हम इस तरह से एडजस्ट कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ बगल में फ्रंट के बगल में कलर दिखता होगा, उसमें क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको बहुत तरह का कलर दिखेगा, आप अपने जैसा थंबनेल रहेगा उसी हिसाब से अपना कलर चूज कर लीजिएगा। तो हम येलो कलर चूज करते हैं, वाइट कलर में येलो बहुत ही अच्छा दिखता है इसीलिए। तो हम ये येलो कलर चूज कर लिए। चूज करने के बाद आपको हाईलाइट के बगल में स्ट्रोक लिखा रहेगा, उसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक होने के बाद आप कोई भी कलर ले लीजिएगा, तो साइड का इफ़ेक्ट आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो हम ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक लेने के बाद आपको यहाँ बगल में अमाउंट लिखा है, इसको आप साइड का शेडो जो रहेगा वो आप कलरफुल कर सकते हो। तो हम कुछ इस तरह से, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो हम कुछ इस तरह से कर लिए। उसके बाद फिर से क्लिक किए, फिर से टेक्स्ट में क्लिक करते हैं। उसके बाद लिखते हैं जैसा हिंदी में लिखते हैं। उसके बाद फिर से क्लिक कर दिए। उसके बाद अपने हिसाब से फिर इसको एडजस्ट कर लेना है। तो हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो फिर से इसको कलर करते हैं, तो हम इसको रेड में रखेंगे। उसके बाद इसका साइडो जो स्ट्रोक लिखा है उसमें क्लिक करते हैं। इसको फिर ब्लैक करते हैं। ब्लैक का अच्छा कलर है जो कि वाइट में बहुत अच्छा दिखता है। मनोज देव जैसा कुछ, हम थोड़ा इसको लंबा कर लेते हैं, जैसा थंबनेल कैसे बनाए। तो फिर हम इसको क्लिक किए। क्लिक करने के बाद आपको फिर टेक्स्ट में जाना है। तो हम इसको लिखते हैं थंबनेल, थंबनेल, तो हिंदी में लिखते हैं कैसे बनाए, बनाए। तो हम लिख दिए। उसके बाद फिर क्लिक करना है। तो सिंपल इसको भी अपने जैसा, अपना तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं, छोटा करते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद इस तरह से कुछ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसमें इसको अच्छा तरह से एडजस्ट करते हैं।
कट कर देते हैं, सिंपल है। अभी हम थंबनेल लिखेंगे, उसमें एडजस्ट अच्छा से नहीं हो रहा है तो सिर्फ थंबनेल लिखेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा इसको अच्छा तरीका से इसमें इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। फिर इसका कलर हम येलो रखते हैं, तो सिंपल हम फिर से इसको येलो रखते हैं। हाँ, ये कलर रखते हैं, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फिर स्ट्रोक में जाना है, जाने के बाद फिर कोई भी कलर आपको लेना है तो हम ये ले लिए। उसके बाद थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं थंबनेल, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। उसके बाद फिर हम इसमें क्लिक किए, क्लिक नहीं करते हैं, फिर टेक्स्ट लेते हैं। टेक्स्ट लेने के बाद आपको लिखना कैसे कैसे बनाएं, तो हम लिख दिए। उसके बाद फिर इसे क्लिक करते हैं, क्लिक होने के बाद आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, तो हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिए, थोड़ा इसको लंबा कर देते हैं। तो इसको हम इसका कलर रेड रखते हैं। उसके बाद इसको फिर से स्ट्रोक में जाएंगे, फिर ब्लैक करेंगे, उसके बाद देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इस तरह से अपने हिसाब से लगा लेना है, तो हम लगा लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। थोड़े इसको हम ऊपर करते हैं, उसके बाद इसको भी थोड़ा ऊपर करते हैं, उसके बाद इसको एडजस्ट अच्छा से करते हैं, तो उसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। थोड़ा इसका शेडो चेंज करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ऐसे आप इस तरह से शेडो चेंज कर सकते हो, तो अभी हम चेंज कर रहे हैं, ये उतना खास नहीं दिख रहा है। तो ब्लैक ही अच्छा दिखता है। अब चाहोगे तो यहाँ पे हाईलाइट में क्लिक करके इसका टेक्सचर कुछ अलग रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी नेट बंद कर दिया हूँ, इसके कारण नहीं दिख रहा है। तो हम इसका भी थोड़ा शैडो थोड़ा कम कर देते हैं, काफ़ी अच्छा दिखेगा। सेव का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें आपको सेव इस तरह से कर लेना है। तो हम फोटो को सेव कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।